सर कुछ बताएंगे हमें क्या चल रहा है, जमीन खाली हो रही है, क्या नोटिस आया हुआ है? कोर्ट के आदेश है। कोर्ट के आदेश है, पुलिस इमदाद मांगी, पुलिस ने नहीं दी। अच्छा, तो ये भी यहाँ पे जो किसी को आप निकाल रहे हो, ये कौन है? यहाँ पे निकाल हम नहीं रहे, तो कोर्ट के आदेश से जा रहे हैं। कोर्ट के आदेश से आप उनको हटा रहे हो ना यहाँ से? अपना जा रहे हैं, उनको बता दिया कोर्ट कब्जा लेके बैंक कोर्ट के आदेश से, तो अपना सामान लेके जा रहे हैं स्वेच्छा से। पहले भी लफड़ा हुआ था जमीन का? जानकारी 2016 में ये जानकारी। तो अभी आपको नोटिस मिला है, तो नोटिस के हिसाब से आप तो ये जमीन को, ये यहाँ पे जमीन की गार्ड हैं या ये ओनर को? बैंक ले रहा है। बैंक ले रहा है? नहीं, जो जिसको आप हटा रहे हो ये कौन है यहाँ पे? ये तो संभालने वाला था, गार्ड संभालने वाला है। अच्छा ठीक है, संभालने वाला कौन है? गोपाल, गोपाल जी मेरे वो उधर गोपाल जी अवेलेबल है यहाँ पे? एक बार गोपाल जी को बुलाना। गोपाल जी कहना ये गोपाल जी आप किसकी तरफ से यहाँ पे? मैं उसे सेठ की तरफ से। कितने टाइम से आप रह रहे हैं यहाँ पे? 2012 से। 2012 से आप रह रहे हैं? हाँ जी। तो अभी आपकी मालिक से बात हुई है? मालिक से बात करने ही नहीं दे रहे, फोन पुलिस वालों ने फोन खोज लिया मेरा, अभी फोन दिया है मुझे। तो आपको पहले कोई खबर थी यहाँ पे कोई आने वाला है? कोई खबर नहीं थी, इनका बैंक का एक आदमी आया था, सिर्फ झूठ मूठ नोटिस चिपका के उपाड़ के वापसी जेब में डाल के ले गए। वो आदमी भी यही है। आपके पास कोई नोटिस दिया है, कोई दिखाया? कोई नोटिस नहीं दिखाया मुझे। तो अगर आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर मैं क्या कहना चाहूँ, मुझे तो पुलिस वाले पकड़ के बाहर ले गए, फोन छीन लिया, क्या खाली कर इसको, अब मैं क्या करूँ सर, मैं तो मेरे बच्चे को लेके कहीं जाऊँगा ही। तो आप पिछले कुछ टाइम से आप इस सिर्फ जमीन को देख रहे हो? 2012 से देख रहा हूँ सर मैं। नहीं, कहाँ से आप? SBI बैंक से? तो आप यहाँ पे खड़े हैं, तो क्या चल रहा है बताएंगे आप मुझे? नहीं तो हम आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू टेल एनीथिंग बिफोर मीडिया, इसके लिए परमिशन चाहिए होती है। नहीं, परमिशन चाहिए होती है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि आप यहाँ खड़े हैं तो आपको कुछ पता होगा कि जमीन खाली करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं? नहीं नहीं, वो मीडिया के सामने से अभी कोई भी नहीं बता सकते हैं आधिकारिक। अच्छा, आपको मालूम होना चाहिए जमीन के बारे में, बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है। कुछ हम मीडिया के सामने कुछ बता ही नहीं सकते हैं। हम नहीं दिखाए, हम तो कोर्ट के आदेश दिखा दिए, पहले की बात कर रहा है। नहीं, अभी कह रहा कि कोई कोर्ट का आदेश हमें दिखाए, नहीं मुझे बाहर निकाल रहे हैं। दिखा दिया नोटिस आते, आपको दिखाया नोटिस? कोर्ट का आदेश दिखाया, कोर्ट के आदेश से बताया। किसने दिखाया वो दिखा दो आप, पता दो। कोर्ट के आदेश से दिखा, दीपेंद्र दिखा देना भाई, कोर्ट के आदेश से दिखाए। पहले कोर्ट का आदेश दिखाइए सर एक बार। हां, कोर्ट का हाथ में मत दीजिए आप, कोर्ट का आदेश दिखा दीजिए सर। दिखाना कोर्ट के आदेश पहले भी दिए हैं। ऐसा थोड़ी हो सकता, तो बिना कोर्ट का आदेश? नहीं नहीं, सही बात है। एक्चुअली ये कह रहे हैं ना, मेरे शेठ ने भी भेजा है कोर्ट का आदेश, ये उसको भी नहीं मान रहे हैं। ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको सर, प्रेजेंट टाइम में ये देखो सर। क्या दिखा रहा है मुझे? ये कोर्ट का ऑर्डर है, स्टे का ऑर्डर है। अच्छा, ये देखो। ये आपको किसने भेजा है? मेरे जो वकील है ना, उन्होंने भेजा है सर, मानने के लिए कोई तैयार नहीं। वकील किसका, आपका है ओनर का है? शेठ का, ओनर का। क्या नाम, आपके ओनर का नाम क्या है? सुदर्शन दास मुंदड़ा। ठीक है, आप जो ओनली फॉर सर यहाँ पे आइए, यहाँ पे प्लीज। मैंने आपको वो, मैंने ये नहीं कहा कि एक सेकंड, आप किस साइड से सर? आप कहाँ से? बैंक के साइड से। बैंक के साइड से बताएं सर, क्या कहना चाह रहे हैं? जो बंदा जो जयपुर हाईकोर्ट का जो ऑर्डर दिखा रहा है, ओनली फॉर स्टे दिया है, ऑक्शन के लिए, नॉट टेकिंग फिजिकल पोजिशन के लिए। ओके ओके, अभी सर क्लियर है आपके जो बता रहे हैं? नहीं सर, क्लियर नहीं है। लास्ट पैरा में देखिए, वो जो लास्ट पैरा में, लास्ट पैरा में जो लिखा हुआ है, आप अपना, मेरी बात सुनो सर, मैं पढ़ा लिखा ही नहीं हूं इतना, उसमें पढ़ा लिखा हो तो सर वो ठीक है, आप पढ़े लिखे नहीं हुई, लेकिन आपको ये समझा रहे हैं ना, ये क्या चीज है इसमें? हां तो मैं इनका इनका कहना सर मान लिया, मैं खाली कर रहा हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं सर, इनको भी दिक्कत नहीं, मुझे भी दिक्कत नहीं, मगर इनका प्रॉब्लम को पहले सोच ली, सॉल्यूशन ये होता है, बैंक अगर यहाँ रह रहा है 2009 से रह रहा है, किसी ने सूचना तो देनी चाहिए ना। सूचना आप, इनका कहने का मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि मैं काफ़ी टाइम से यहाँ रह रहा हूँ, अगर आप लोग इसको खाली करवा रहे कुछ टाइम पीरियड इनको देते तो ये अपना सामान वामान ले जाते। ऑलरेडी वी हैव टेक टाइम पीरियड दे चुका हूँ, उसका जो मालिक है शेठ है, उसको ऑलरेडी बाई पोस्ट में ऑफिशियली लेटर देकर इंटीमेट किया गया। इनका कहना है आपके ओनर को ये पहले ही दे चुके हैं, पर उन्होंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया, उन्होंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया। मेरी बात सुनो सर, मैं एक बात हूँ, अभी भी वो आदमी जो बैंक का इनका आया था ना 6 तारीख को मेरे पास आया है, वो आदमी यही है, वो लुख रहा है आदमी, क्यों सामने क्यों नहीं आ रहा वो आदमी? उसने मुझे ये कह के गया है कि सत्ता सर आप बीच में मत बोलो, 2018 में इनका बैंक का आदमी आया मुझे,
उसने ऐसे बोला कि तुम्हें आज से हम छोड़ रहे हैं यहाँ पे चौकीदार, मैं तनख्वाह मैं दूंगा। फिर 3 महीने उस आदमी ने मेरे पास फ़ोन किया, मैंने उसके पास फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया मेरा। बाकायदा उसका सिग्नेचर किया हुआ मेरे पास नोटिस है सर। तो क्या कह रहे थे उस टाइम, वो आए थे क्या कह रहे थे आपसे? हेलो, उनका जो ऑर्डर कॉपी है, ऑर्डर कॉपी में देखिए मेंशन है दो तीन बोर्डवा ने एक्सेप्ट किया है, उसमें ऑर्डर कॉपी में मेंशन भी है 2/3/2023 को जो ऑक्शन नोटिस हम सेल ने इशू किया है वो एक्नॉलेज किया और रिसीव किया, इसी के तहत उन्हें हाईकोर्ट गया है। तो आप जयपुर से हैं या फिर किसी और ब्रांच से? कलकत्ता के ब्रांच से आप सर? कलकत्ता ब्रांच से 3 आदमी आए थे मेरे पास 2018 को। उन्होंने क्या बोला मुझे 23 में भी 6 तारीख को आदमी आया है, डीसी साहब का आदेश है, उससे पहले ये वाला आदेश लिया जाता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का है अपने यहाँ पे, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है जयपुर का, उसने आदेशित किया है प्रॉपर्टी को कब्जे में लेने का, सरफेस चेक 2002 के तहत लिया जाता है अपने कब्जा, फिर उसके बाद में इसमें आदेशित किया जाता है संबंधित कमिश्नरेट को, ये रहा थाना अधिकारी निजी पालनगढ़ रिपोर्ट करी भिजवाए पाबंद करे, फिर थाना अधिकारी से पास जब इन्होंने एप्लीकेशन लगाई बैंक वालों ने तो थाना वालों ने जाप्ता लिखे हुए जाता है इनको भाई ये आदमी लगेंगे पोजीशन के लिए, फिर यहाँ इनका पैसा बैंक वाले ने जमा करवाया DD संख्या ये इतना अमाउंट 71,297 रुपये जमा करवाया है, फिर आज इस आदेश पे ये अपना कब्जा लेने आए बैंक। सर जैसा मैं देख रहा हूँ कि इनको नोटिस मिला हुआ है, नोटिस के बिना कभी पुलिस थाने से कभी किसी जमीन को खाली कराने नहीं आएगी। जी सर, अब सर ये सर पावर है अपने राजस्थान में, ठीक है, सरफेस एक्ट में ऑथराइज ऑफिसर की तरफ से एप्लीकेशन दे दी गई है थाने पे कि आज हमको ये पोजीशन लेना है इस तारीख को, ये देख लो आप। ये सर जिस तरह मौके पे मेरी बात हो रही है सबसे, तो ये सब चीज़ें मुझे लीगली काम लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सर कौन से थाने से पुलिस आपकी? पुलिस थाना मानसर। पुलिस थाना मानसर से पुलिस भी आई हुई है, इनको नोटिस दिया गया था तभी यहाँ पे ये जगह को खाली कराने के लिए आए हैं, बट इनका क्या कहना है देखो कुछ चीज़ें क्लियर मुझे भी नहीं हो पाई है। ये कह रहे हैं नोटिस आया है, कभी कोई बैंक वाला आया, कभी 6 तारीख को आया, इनके ओनर ने इनको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी मेरे हिसाब से। सर मेरी बात सुनो सर, इनका नोटिस आया था ना आपका सर, अकॉर्डिंग टू लॉ तो ये कहता है कि जिस पार्टी ने लोन लिया है उसी को तो सूचित करेगा बैंक, अब इसको थोड़ी सूचित करेगा, इसको तो इसका मालिक ही सूचित करेगा ना जिसको इसने रखा है, इसको ये कहना इनका बिल्कुल सही है। देखो आपको आपको जमीन से हटाया जा रहा है, इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि आपके ओनर ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया कि हमारे मेरे पास नोटिस आ चुका है बैंक का, उनको आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था कि मेरे पास नोटिस आ चुका है, आप इतने दिन में ये जगह खाली कर दो। मैं मान रहा हूँ हटा रहे हैं मुझे, मगर 2018 में मुझे ये कह के गए तनख्वाह हम देंगे, उसका मेरा सोल्यूशन क्या 4 साल की तनख्वाह कौन देगा? किसने कहा था आपको तनख्वाह देंगे? मेरा सिग्नेचर बाकायदा इनके बैंक का आदमी है, कौन है ये नोटिस लगाने आया है 3, 1, 2 आदमी एक लेडीज। सर ऐसी कोई बात थी तो बैंक ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इनके पास लिखा हुआ देखो ना, लिखा हुआ है क्या भाई इसको बैंक तो हर चीज लिख में देगा ना, ये नोटिस है। नोटिस नहीं सर, आपके पास बैंक से कोई ऐसा लिखा हुआ पेपर है? ऐसा बैंक से कोई लिखा हुआ पेपर है जो उसमें ये साबित हो कि ये पैसा बैंक आपको देगा? तो सर एक बात हो, इनके आदमी को पूछो कि यहाँ नोटिस लगाया किसने? नोटिस नहीं लगा यहाँ पे, लो तो लगेगा सर 13(2) का नोटिस। सर नोटिस तो लगेगा ही ना सर, आप थोड़ी नहीं लगा सर नोटिस, अभी तो आप बोल रहे एक्सेप्ट कर रहे हो कि नोटिस लगा, आप कानून को मिसगाइड कर। तो सर आप मुझे मिसगाइड आपने किया है सर, लीगली कार्रवाई हो रही है, लीगली कुछ भी नहीं हो रहा, अकॉर्डिंग टू लॉ पेपर्स देखने के बाद सारी चीज देखने के बाद ये सब चीजें लीगल हैं। थाने से पुलिस आई है, मौके पे SBI बैंक वाले हैं जो कि कोलकाता से हैं। जी ये है कोलकाता से, आप जयपुर ब्रांच से हैं? जी ये जयपुर ब्रांच से हैं, तो जयपुर ब्रांच से भी है, कोलकाता ब्रांच से भी है, तो ये सारी चीजें लीगल लग रही है मुझे।